साल 2005 में दुनिया में पहली बार बेंटन की ओरिजिनल सीरीज को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। बेंटन की यूनिक स्टोरी लाइन एंड आर्ट स्टाइल ने ऑडियंस का सारा अटेंशन अपनी तरफ कर लिया एंड आफ्टर सम टाइम ये सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। बेंटन क्लासिक के बाद एलियन फोर्स की स्टोरी शुरू होती है और फिर अल्टीमेट एलियन की और एंड में ओमनिवर्स की। इन सभी सीरीज को 2005 से 2014 तक चलाया गया था एंड इन सीरीज को एक सिंगल कॉन्टिन्यूटी दी गई थी। बेंटन की इस फ्रेंचाइजी ने बिग नंबर ऑफ ऑडियंस बना ली थी। अब इतनी पॉपुलरिटी हासिल करने के बाद मेकर्स ने 2016 में बेंटन रीबूट को बनाया। 9 साल की कड़ी मेहनत और कैरेक्टर डेवलपमेंट को बेंटन रीबूट बनाकर बर्बाद कर देना किसी को भी पसंद नहीं आया। बेंटन रीबूट लॉन्च होते ही ऑडियंस ने इसे हेट करना शुरू कर दिया। अब इस हेट का ये मतलब नहीं है कि इसकी एनिमेशन खराब थी, बल्कि ये एनिमेशन तो काफी न्यू लुकिंग एंड यूनिक थी। इसे इतनी ज्यादा हेट इसलिए मिली क्योंकि ओमनिवर्स सीरीज आते आते बेन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और रीबूट सीरीज में बेन को बिल्कुल बच्चा बना दिया गया। अब इस तरह से बेंटन की स्टोरी को दोबारा से स्टार्ट करना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अब गाइस आज के टाइम में बेंटन रीबूट के 4 सीजन निकल गए हैं जिसमें मेकर्स ने बहुत अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं जिसने पूरी सीरीज को बाकियों से अलग बना दिया। आज मैं आपको रीबूट सीरीज की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे सुनकर आप इसे एक सेकंड चांस भी दे सकते हैं। नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशंस। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शो के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में। बचपन से हम देखते आए हैं कि जब बेन अपनी वॉच की डायल को घुमाकर किसी एलियन में बदलता है तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस रन होता है जिसमें बेन की बॉडी को चेंज होते हुए दिखाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि बेंटन रीबूट में ये ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस बेहद ही अलग और लाजवाब है। पहले की सीरीज में क्या होता था कि हर पर्टिकुलर एलियन के लिए ज्यादातर एक सिंगल तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता था। जैसे कि जब बेन 4 आर्म्स में बदलता था तब हमेशा उसे एक ही तरीके से 4 हाथ निकलते हुए दिखाए जाते थे जो एक टाइम के बाद थोड़ा बोरिंग हो गया। लेकिन बेंटन रीबूट में एक ही एलियन बहुत सारे अलग अलग स्टाइल में ट्रांसफॉर्म होता है और जब बेन एलियन बनता है तो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस हर बार क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल होते हैं जो कि एपिसोड को बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाते हैं। नंबर 2, न्यू एलियंस। ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा रीबूट सीरीज का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है न्यू एंड यूनिक टाइप के एलियंस। इन सभी एलियंस को देखने से ही पता चलता है कि एनिमेटर्स ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है। शॉकरॉक ये सीजन 2 का एक मेजर एलियन है। ये बड़ा सा पत्थर जैसा दिखने वाला एलियन पूरी तरह ब्लू एनर्जी से कवर्ड है। ये ब्लू एनर्जी इसके लिए आर्मर की तरह काम करती है एंड इसकी हेल्प से ये अलग अलग टाइप के पावरफुल वेपन्स भी बना सकता है। सीजन 3 की शुरुआत में हमें स्लैपबैक नाम का भी एक एलियन दिखता है जो डिट्टो और एक्वाको की तरह ही क्लोन मेकिंग एलियन है। पावर के मामले में ये एलियन काफी ज्यादा डेंजर है क्योंकि इसका हर एक क्लोन पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। रीबूट के अंदर हमें इसके 8 ही क्लोन्स दिखाए गए हैं। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ऐसा एलियन जिसके हर एक क्लोन की पावर बढ़ती ही जाती है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद आता है ओवरफ्लो। इसका रेड और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन बेहद ही अट्रैक्टिव है और इसके वाटर पावर्स काफी ही कूल हैं। ऑडियंस का मानना है कि इसका डिजाइन अल्टीमेट एलियंस के वाटर हैजर्ड से कॉपी किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि ओवरफ्लो जिस तरीके से अपने पावर्स को यूज करता है वो बेहद ही यूनिक है। नंबर 3, रिलेशन ऑफ बेन एंड ग्वेन टेनिसन। बेंटन ओरिजिनल सीरीज में हमने देखा था कि बेन एंड ग्वेन आपस में लड़ते ही रहते थे। अब बेंटन रीबूट में भी वो बहस करते हैं लेकिन उतनी नहीं जितनी वो ओरिजिनल सीरीज में करते थे। बेंटन ओरिजिनल सीरीज में हमें ये बहुत ही कम बार दिखाया गया है कि वो एक दूसरे की फिक्र करते हैं, लेकिन रीबूट सीरीज में इनकी बॉन्डिंग को अच्छे से कैप्चर किया गया है जिससे सीरीज में एक इमोशनल कनेक्ट भी बन पाया है। अब ये थे बेंटन रीबूट सीरीज के कुछ प्रो पॉइंट्स और मेरे मुताबिक आपको इस सीरीज को एक और मौका देना चाहिए। अब गाइस बेंटन रीबूट सीरीज के 4 सीजन्स लॉन्च होने के बाद इसने अपना एक खुद का वर्ड बना लिया है। आफ्टर ऑल गाइस आपकी बेंटन रीबूट सीरीज के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर से बता देना। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।